नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मैं आपको बता दूं, ये वीवो का एक फ़ोन है हमारे पास। वीवो का ये Y12 है, Y12 है, इसमें 12 है, Y12 मॉडल है ये वीवो का। मैं आपको बता दूं, इसमें पैटर्न लगा हुआ है और ये किसी टेक्नीशियन या तो खुद भूल गए हैं पासवर्ड, और ये पासवर्ड भूल चुके हैं तो इसमें पैटर्न लगा हुआ है। जबकि मैं बता दूं, पिन या पासवर्ड जो भी लगा हुआ है तो इसमें लगा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम इसे रिमूव करेंगे और रिमूव देखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आप हमारे चैनल में नए हैं, अपना चैनल दिखा दूं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल में नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और स्टेप बाय स्टेप देखिए कि हम इसे कैसे रिमूव करते हैं, क्या सारी चीज़ें हम इसमें दिखाते हैं आपको। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप इसको कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। वाई का ये लेटेस्ट हैंडफोन है, वीवो Y12, और इसे आप वन क्लिक में फ्लैश करेंगे और सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारे वीडियो में आगे चल के आप देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, अब हम एक वीवो का फ़ोन है Y12। हम इसे इसकी जो पैटर्न लगी हुई है उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, पूरी हटेगी हटेगी, 110% हटेगी। तो उसके लिए हम MRT यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट MRT यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो उसे हम और भी सोर्सेज से हटा सकते हैं, बट हम उसमें MRT यूज़ कर रहे हैं। MRT से इसकी जो पैटर्न है, जो इसकी लगी हुई है, पहले तो ये FRP पे नहीं जाता है, मैं आपको बता दूँ। इसमें आपको पहले हटाना ही होता है, तो हम इसमें MRT यूज़ करेंगे। तो MRT यूज़ करने के लिए दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो ये MRT का सेटअप है दोस्तों, मैं बता दूँ, इसका वर्जन चल रहा है MRT 3.53। इसका लेटेस्ट वर्जन और भी होगा, 5.6 तक आ गया है, बस हम इसमें 5.3 यूज़ कर रहे हैं। अब इसे 5.3 यूज़ करने के बाद दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ। सारी चीज़ें आप उसको फॉलो करेंगे और 100% आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो को आप स्किप करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैं MRT खोल रहा हूँ, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। MRT हमारे दोस्तों खुल चुकी है, जैसा ही हमने टाइम का नाम लिया, MRT हमारी इजिली खुल चुकी है। अब हमें जाना है दोस्तों, यहाँ पे जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे MRT जो हमारे 2.60 है, MRT का वर्जन देख रहे हैं आप, MRT का 2.60, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, कि आप उसे इजिली में आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। आपको ओपन हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब आपको जाना है MediaTek टूल में, जाना है MTK टूल में, जाना है MTK टूल में। आप जैसे ही गए, मैं आपको बता दूँ, MTK टूल में आपने जैसे ही गया, अब यहाँ पे देख रहे होंगे बीबी की ओनली आपको लिखा है, वीवो ओनली, ओनली वीवो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका फॉर्मेट अनलॉक करना है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको फॉर्मेट करना है, तो आप फॉर्मेट पे टिक करेंगे, जस्ट मिनट। जैसा कि आप फ्रेंड्स ने आपने देखा कि यहाँ पे हमने पहले आपको MTK स्पेशल टूल लेना है, फिर आपको फॉर्मेट करना है, उसके बाद आपको वीवो ओनली लेना है, उसके बाद आपको लेना है Y83 आपको ले लेना है। Y83 आपने जैसे ही ले लिया, फिर आपको दो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन दबा देना है। अब जैसे स्टार्ट बटन दबा देंगे, अब आपको सिंपली फोन को कनेक्ट करना है, फोन को स्विच ऑफ करना है, पूरी तरीके से फोन को प्रॉपर ऑफ करना है और फोन को फिर कनेक्ट करना है। मैं फोन को ऑफ कर रहा हूँ, ये फोन को आप प्रॉपरली तरीके से बंद करेंगे और प्रॉपर जब बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, तब आपको इसमें आपको बस फोन को कनेक्ट करना है। अब फोन को कनेक्ट करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बस सिंपली कनेक्ट करता हूँ फोन को। कनेक्ट करने के लिए 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें सी टाइप केबल चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने डाटा केबल को लगा दिया है, देखिए हमारा VCOM पोर्ट बना लिया है, अब ये सक्सेस भी हो गया है। अभी मेटा मोड में जाएगा, मेटा मोड में जाने के बाद जस्ट थोड़ा सा ब्लू होगा, ब्लू डिस्प्ले आ जाएगी, थोड़ी सी ब्लू डिस्प्ले आ जाएगी और ये हमारा पोर्ट बना लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, मेटा मोड पे ये वर्क करेगा। सर्चिंग फोन मॉडल पोर्ट, ये देखिए फोन हमारा ब्लू हो गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा फ़ोन जो ब्लू हुआ है, थोड़ा सा मैं उसको आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आप उसे देख लें।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन ब्लू हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन ब्लू हो रही है, सर्चिंग पोर्ट पे भी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि हमारा पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कि सर्चिंग पोर्ट पे जा रहा है क्योंकि आपका नेट कनेक्ट है और यहाँ पे ये पोर्ट को स्कैन करेगा। तो मैं तब से इसको स्किप कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। आपका एक बार अगर नहीं हुआ तो दोबारा से इसको पूरी तरीके से इंस्टॉल होने देंगे, उसके बाद आप कर देंगे तो आपका मेटा मोड का ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मेटा मोड के लिए आपको डायरेक्ट कोई भी की प्रेस नहीं करना था, बस आपको डायरेक्ट यूएसबी केबल इंसर्ट करना था और आपका वो हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे इरेज डाटा हो चुका है पूरी तरीके से। जैसे ही हमारा वीकॉम पोर्ट बना लिया दोस्तों, ये देखिए हमारे फोन ब्लिंक हो गई है। मैं वीडियो को यहाँ पे रोकूंगा और फोन हमारा चार्जिंग आइकन पे आ जाएगा और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको ये कोई भी फेक वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, जो भी है प्रॉपरली। तो मैं इसको स्टॉप करूंगा और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कनेक्टर्स हमारे लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चार्जर पे लगा ही हुआ है हमारा आइकन, फोन चार्ज पे हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट हो चुका है। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, फोन को डिस्कनेक्ट करेंगे, अब इसको चालू करेंगे और देखेंगे हमारा फोन 100% वर्क हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, फोन हमारा रिस्टार्ट हो गया है, फोन ऑन हो गया है। वही फोन है जो कि आपके सामने प्रैक्टिकली लाइव दिखा रहे हैं, सक्सेस हो गया है पोर्ट। मेटा मोड पे ये फोन हमारा कनेक्ट हुआ और मेटा मोड में कनेक्ट होने के बाद आप प्रॉपरली एमटीके का टूल, आप डोंगल हमने लगाया हुआ था, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा सकते हैं एमटीके डोंगल लगा हुआ है यहाँ पे। सारी चीज़ हमारे चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं बनता है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें दिखाई है। यहाँ तक कि जो ब्लू था थोड़ा सा, मैं उसको ब्लू को भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि स्क्रीन में कैसे वो ब्लू मार्क्स आ गए हैं। सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके ही दिखाएंगे। ये फ़ोन हमारा थोड़ा सा बूट हो रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए रोक दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है और जो आपका ये फॉर्मेट था, जो आपका पैटर्न पे था, 100% फॉर्मेट फ़ोन हो चुका है। अब इसे हम सेटअप देखेंगे, अगर इसमें FRP लगी होगी तो इसकी FRP भी हम, जैसा कि आपने वीडियो में हमने देखा ही, हमारे FRP भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो FRP रिमूव करने के लिए हमने आपको एक वीडियो बनाया ही था, FRP रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसकी FRP अगर लगी है वीवो की FRP, तो आप जो हमने वीडियो में डाला हुआ है FRP का ऑल FRP, तो आप उसमें उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी एक वीडियो इसमें डाला हुआ है FRP को लेकर के। तो हम इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप। अगर फ्रेंड्स इसमें FRP लगती है, अगर सपोज इसमें FRP लगती है, बट इसमें भी FRP लग गई है, तो मैं इसकी FRP आपको दिखा दूंगा और अब मैंने दिखाया भी है आपको एक्चुअल में। तो आप इसकी जाकर के FRP नॉर्मल तरीके से आप हटा सकते हैं, जैसा कि हमने इसकी FRP आपको दिखाई भी है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने वही प्रोसेस किया है जो कि हमने अगले वीडियो में, अपने वीडियो में FRP का प्रोसेस दिखाया था फ्रेंड्स, तो मैंने वो प्रोसेस कर दिया है। आप हमारे वीडियो को, जो FRP का वीडियो है, ऑल वीवो FRP मैंने करके इस वीडियो को डाला हुआ है, आप वहां कर जा करके, मैं उसका लिंक डाल दूंगा वीवो FRP की, आप वहां से जाकर के कैसे फिर से देख सकते हैं कि इसके FRP कैसे हटा सकते हैं। तो वीवो के FRP मैंने पर्सनल वीडियो डाली हुई है जो कि हर एक फ़ोन में वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैंने इसको प्रोसेस किया हुआ है, आप उसको जा करके प्रैक्टिकली आप देखिए और करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको भी लास्ट में आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अभी आप FRP पे आया था, मैंने FRP का वही ट्रिक यूज़ किया जो कि हमने अपने उस चैनल में पहले वीडियो डाल चुका है फ्रेंड्स। तो मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की थी, FRP था इसमें, FRP भी लगा था। तो फ्रेंड्स आप जाइए और हमारे उस वीडियो को देखिए, वीवो FRP आप कैसे रिमूव करते हैं, आप हमारे चैनल में जाइए और उसकी वीवो की FRP देखिए कि वन क्लिक में आपके सामने, मैंने इसको अभी जस्ट किया है, इसमें भी FRP लगी थी, इसकी भी FRP, वो ट्रिक 100% वर्किंग है, हमेशा सब में काम कर रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये वही सेट था। ठीक है, थैंक यू।